हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फूडी फौज किचन। इस समय लौकी बहुत अच्छी आ रही है मार्केट में, तो चलिए आज हम लौकी का हलवा बनाते हैं। लौकी का हलवा बनाने के लिए हमने 1 kg लौकी ली है ग्रेट करके। घी ले लिया है हमने 1/2 कप, थोड़े से काजू, इलायची पाउडर 1/2 टेबल स्पून, 1/2 कप शुगर और 150 ग्राम मावा लेंगे। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम गैस पर पैन रखेंगे गर्म होने के लिए और उसमें 1/2 टीस्पून घी डालेंगे। और सबसे पहले हम इसमें काजू, जो ड्राई फ्रूट्स हैं, उसको रोस्ट कर लेंगे। इसको हम गैस की स्लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे, नहीं तो ये जल जाएंगे। और ये देखिए, काजू हमारे रोस्ट हो गए, तो इसे अब हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और अब हम इसी पैन में लौकी को डालकर पका लेंगे। इसे हम ढककर पकने के लिए रख देंगे 4 से 5 मिनट के लिए, और इसे हम बीच बीच में चलाते भी रहेंगे। तो अब 5 मिनट हो गए हैं, तो चलिए हम लौकी को चेक कर लेते हैं। लौकी हमारी 50% पक चुकी है, तो अब हम इसमें शुगर ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। लौकी को अब हम शुगर के साथ पकाएंगे, तो इस लौकी में भी थोड़ा और पानी निकलेगा। और इसमें हम 2 टेबल स्पून घी भी ऐड करेंगे। शुगर और घी के साथ अब हम लौकी को पकाएंगे, इससे हमारा हलवा और भी टेस्टी बनेगा। अभी लौकी को हम 1 मिनट ढककर और पका लेंगे। तो 1 मिनट हो गया है, अब हम इसे चेक कर लेंगे। अब इसे हम गैस की हाई फ्लेम पर पकाएंगे। इसका जितना पानी है वो हम सब पका लेंगे। और इसमें अब हम 1/2 टेबल स्पून इलायची पाउडर ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे रोस्ट करते हुए, भूनते हुए। और इसमें 2 टेबल स्पून घी हम और ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से भूनेंगे। गैस की हाई फ्लेम पर हम लौकी को अच्छे से भूनेंगे। और अब इसमें हम मावा ऐड करेंगे। मावा ऐड करके इसे थोड़ा सा और भून लेंगे। और अब इसमें हम रोस्टेड काजू ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे भूनते हुए। और ये देखिए, हमारा लौकी का हलवा बनकर रेडी हो गया है।